फर्स्ट था आपका सही उत्तर के सामने टिका है, इट बी करेक्ट ऑप्शन। सेकंड था आपका फिल इन द ब्लैंक एंड थर्ड क्वेश्चन जो था आपका इसमें फिगर्स थे और फिगर के आगे उनके नाम लिखते थे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड। मैंने आपको बताया था कि वर्ड में पहले से ही छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उनको और छोटा नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट, वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो मैंने आपको बताया था वर्णमाला में तीन प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा आयोगवाह, तीसरा व्यंजन। क्लियर। नेक्स्ट, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो में। नेक्स्ट, वो क्या कहते हैं, आयोगवाह, अनुस्वार या अनुनासिक, तो इसको कहते हैं आयोगवाह। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, खाली जगह भरो, तो यहाँ पे जो वर्ड किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है यानी कि जिनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है वो कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, कौन से व्यंजन कहते हैं, स्पर्श। क्लियर। आगे, जो व्यंजन दो व्यंजनों के डैश से बनते हैं, तो मेल मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि दो व्यंजनों को आपस में जोड़ दे तो कौन सा व्यंजन बनता है, संयुक्त व्यंजन, यानी जोड़कर जो बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि यहाँ पे अमरूद का फिगर बना हुआ था, चित्र बना हुआ था और हमने उसका नाम लिखा था अमरूद, तो आपको जब आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे तो आप इनके आगे इनके चित्रों को या तो बना ले या फिर पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट होता है ना कार्ड के चिपकाना, तो अमरूद, हिरण, सांप, बंदर, चांद और गुलाब। ये आपका चैप्टर टू वर्ड विचार कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूंगी, बाकी एक्सरसाइज आपको ये मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो प्लीज इसको देखिएगा, रीड करिएगा।